आज पूरे देश विच आज़ादी का 77वां दिहाड़ा बड़े शानो शौकत तरीके नाल मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री वालों सवेरे लाल किला दिल्ली विखे तिरंगा लहराया गया। दूजे पासे अमृतसर विच भाजपा के मुख दफ्तर खन्ना स्मारक विखे भाजपा के नेतावां ते वर्करां वालों मिल के तिरंगा लहरा के आज़ादी का 77वां दिहाड़ा मनाया गया। जो स्वतंत्रता दिवस है भारतीय जनता पार्टी साडे अध्यक्ष डॉक्टर हरविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता विच असीं सब इकट्ठे होए हैं और शहीदों की याद दे विच अज असी उन्हां नूं धन्यवाद करने हैं जिन्होंने साड़ी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते। सो मैं निवेदन करांगा कि शहीदों का जो महापुरशां का भारतीय इतिहास के विच ने उन्हां दे दिन सानूं धूमधाम नाल मनाना चाहिए, उन्हां दा धन्यवाद करना चाहिए, उन्हां दा स्मरण करना चाहिए। मैं सारे देश वासियों नूं कहांगा कि अज ये दिहाड़ा असीं सब रल मिल के मना रहे हैं और शहीदां दा जो सुपन सी कि कैसा देश होए हो, अज साडे प्रधानमंत्री जिहड़े ओजस्वी ने, यशस्वी ने, तपस्वी ने नरेंद्र मोदी जी, उन्हां दे नेतृत्व दे विच ये सारे देश दे विच तिरंगा अभियान जिहड़ा है वो चल रहा है और सफल होया कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इस तरह हुशियारपुर पुलिस लाइन विखे जिला पद्धरी आज़ादी दिहाड़ा मनाया गया जिथे मेहमान वजो स्पीकर पंजाब विधानसभा कुलतार सिंह संधवा पुजे। लेकिन शिक्षा को बेहतर किवें बनाया जाए वो दौरे आप करके कोई कनेडा जाता सिंगापुर जाता, लेकिन पहली बार होया प्रिंसीपल साहबान सिंगापुर वर्गे देशों भेज के मेरी दवाई आई आई एम अहमदाबाद भेजा विद्यार्थियों को बुला रहे हैं, प्रैक्टिकल तजर्बे लेने चल रहे हैं, लॉन्च मौके श्रीहरिकोटा भेजा। ये है दो काम। इस तरह फतेहगढ़ साहब विखे भी 77वां आज़ादी का दिवस मनाया गया जिथे स्कूली बच्चों ने नच टप के ये जश्न मनाया है। जिला डिप्टी कमिश्नर प्रनीत कौर शेरगिल ने कौमी झंडा लहराया है। अज इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन फतेहगढ़ साहब विखे होया, बच्चों ने बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम किया है, नाल ही परेड जिन्हें भी साडे पार्टिसिपेंट सिगे बड़ा कलरफुल बड़ा अच्छा। मैं सारे नू इंडिपेंडेंस डे की बहुत बधाई दिनी हाँ। अज असी देखिए रंगारंग प्रोग्राम बच्चों का, पहला परेड सी, वैल ऑर्गनाइज्ड सारा फंक्शन सी और जिहड़ा साडा प्रशासन है पहला भी असी देखिए पानी दे जां हड़ आए ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
इस मौके ते पंजाब पुलिस होमगार्ड NCC दे जवानां वल्लों परेड कीती गई। पहलियां दो टुकड़ियां कैप्टन संदीप सिंह आ रहे हैं, अगली टुकड़ी पंजाब पुलिस महिला विंग जिहदे वाई इंस्पैक्टर दविंदर कौर कर रहे हैं, अगली टुकड़ी पंजाब होमगार्ड चैंपियन जिहदे वाई। बुढ़लाड़ा विखे मनाए गए सब डिवीजन पद्धरी समागम मौके झंडा लहराउण दी SDM बुढ़लाड़ा प्रमोद कुमार सिंगला ने निभाई, जबकि हलका विधायक प्रिंसीपल बोधराम अडिशनल सिविल जज मन्नू मित्तू जिसका विच सिविल जज समागम विच विशेष तौर पर शिरकत की है। सब तो पहला तो मैं हलका निवासियों पंजाब वासियों जिथे भारत वासी देशों विदेशों रहते हैं 77वीं वरेगंढ के संबंध में आजादी की अज उन्होंने अलग अलग बधाई देना चाहूँगा। देश की बड़ी कुर्बानी की है, साडे योधिया ने बहुत फांसियां दस्से चुमे जड़ा कट्टियां अंडेमान निकोबार के काले पानी के सजावं कट्टियां, तो उन्हां दी महान कुर्बानी करके असीं अज आजाद फिजां दे विच रह रहे हैं। सो बड़ा वधिया लगता है, हर साल की तरह बुढ़लाड़ा दे विच साडे पद्धर दा जिहड़ा प्रोग्राम है आजादी दिवस दा मनाया जांदा, अज भी SDM दे आंगण दे विच दफ्तर दे आंगण दे विच इह मनाया गया सी। फिर से तुहानू सारे पत्रकार भरावां नू सारयां नू आजादी की इस शुभ आगमन के उत्ते आजादी की इस 75वीं 76 साल हो गए 77वीं जिहड़ी वरेगंढ है ये शुभ आगमन के उत्ते मैं सारयां नू बधाई दिंदा।